नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है एग्ज़ाम पाथफाइंडर में, जहां हम आपके लिए गवर्नमेंट जॉब्स, कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स, एडमिशन और वैकेंसी से रिलेटेड लेटेस्ट इन्फॉर्मेशन और अलर्ट्स लेकर आते हैं। इसके लिए आप हमारे प्लेटफॉर्म alert.exampathfinder.com पे विज़िट कर सकते हैं, और अगर आप चाहें तो हमारा ऐप जो है EPF अलर्ट ऐप, उसको भी प्ले स्टोर से ईजिली इंस्टॉल कर सकते हैं। तो गुवाहाटी हाईकोर्ट के द्वारा एप्लीकेशन निकाली गई स्टेनोग्राफर ग्रेड 2 और एक अन्य पोस्ट के लिए कि वैकेंसी डायरेक्ट रिक्रूटमेंट के माध्यम से भरी जाएगी। तो इस वीडियो में जो भी इससे रिलेटेड इन्फॉर्मेशन है वो मैं आपको दूंगी, तो वीडियो के अंत तक आप मेरे साथ बने रहिएगा। जिस पोस्ट के लिए वैकेंसी जारी की गई है वो स्टेनोग्राफर ग्रेड 2 और स्टेनोग्राफर ग्रेड 3। तो स्टेनोग्राफर ग्रेड 2 के लिए जो ज़रूरी क्वालिफिकेशन होने चाहिए, वो कैंडिडेट जो है वो ग्रेजुएट होना चाहिए UGC रिकॉग्नाइज यूनिवर्सिटी से, और कैंडिडेट के पास डिप्लोमा सर्टिफिकेट होना चाहिए स्टेनोग्राफी और शॉर्ट हैंड में ITI से, पॉलीटेक्निक में और किसी भी अन्य इंस्टीट्यूट से। साथ ही कैंडिडेट के पास एडिक्वेट नॉलेज होनी चाहिए ऑफिशियल लैंग्वेज की, असामीज की, असम स्टेट में, और कैंडिडेट ने के पास एम्प्लॉयमेंट एक्सचेंज रजिस्ट्रेशन नंबर होना चाहिए असम स्टेट का। उसी के साथ स्टेनोग्राफर ग्रेड 3 के लिए कैंडिडेट ने HS एग्जामिनेशन बोर्ड पास किया होना चाहिए, काउंसिल पास किया होना चाहिए एडवर्टीजमेंट की डेट पे। साथ ही डिप्लोमा सर्टिफिकेट होना चाहिए किसी भी रिकॉग्नाइज स्टेनोग्राफी से, शॉर्ट हैंड किया होना चाहिए ITI से या फिर पॉलीटेक्निक या फिर अन्य इंस्टीट्यूट से। उसी के साथ एडिक्वेट नॉलेज होनी चाहिए ऑफिशियल लैंग्वेज की, और एम्प्लॉयमेंट एक्सचेंज रजिस्ट्रेशन नंबर होना चाहिए असम स्टेट का। अन्य जानकारी के लिए आप यहाँ से ऑफिशियल नोटिफिकेशन को डाउनलोड कर सकते हैं। तो इसकी जो एप्लीकेशन है ये 28 फरवरी 2023 से स्टार्ट होगी, तो अगर आप इसके लिए अप्लाई करना चाहते हैं तो आप 28 फरवरी 2023 दोपहर 12 बजे से अप्लाई कर सकते हैं। जो लास्ट डेट है अप्लाई करने की वो है 15 मार्च 2023, तो 15 मार्च 2023 तक अप्लाई कर सकते हैं आप। एप्लीकेशन मोड ऑनलाइन है, उसी के साथ जो एज लिमिट है वो 18 से 40 ईयर्स। इसके लिए जो ओवरऑल वैकेंसी जारी की गई है वो है 130। काफ़ी अच्छी अपॉर्चुनिटी है ये, काफ़ी सारी वैकेंसीज एक साथ जारी की गई हैं, टोटल वैकेंसी है 130। और यहाँ गिवन है कि कौन सी पोस्ट के लिए कितनी वैकेंसी जारी की गई। स्टेनोग्राफर ग्रेड 2 के लिए 34 नंबर ऑफ वैकेंसीज हैं। पे स्केल है 22,000 से 97,000 प्लस, ग्रेड पे जो है वो 9,700। स्टेनोग्राफर ग्रेड 3 के लिए 96 वैकेंसी जारी की गई हैं। पे स्केल है 14,000 से 60,500 प्लस, ग्रेड पे जो है वो 7,400। एज लिमिट 18 से 40 ईयर्स होनी चाहिए, यहाँ पे गिवन आप देख सकते हैं। स्टेनोग्राफर ग्रेड 2 का एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया गिवन है, सिलेक्शन प्रोसेस भी गिवन है, वो उसके हिसाब से अप्लाई आपको ऑनलाइन ही करना है। तो ये डिटेल नोटिफिकेशन है जो हमारे प्लेटफॉर्म पे अवेलेबल है, आप हमारे प्लेटफॉर्म पे विजिट करके इसको डाउनलोड करके देख सकते हैं। स्टेनोग्राफर ग्रेड 3 का एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया भी गिवन है, सिलेक्शन प्रोसेस गिवन है, तो आप इसको नोटिस को ज़रूर गो थ्रू कर, अप्लाई कैसे करना है वो भी गिवन है। आपको इनकी ऑफिशियल वेबसाइट जो है www.ghconline.gov.in पर विजिट करना है, उसके बाद क्लिक हियर टू अप्लाई ऑनलाइन पर जब आप क्लिक करेंगे उसके बाद आप अप्लाई कर सकते हैं। यहाँ पे फॉलोइंग इंस्ट्रक्शंस गिवन है जिसको आप अप्लाई करने से पहले ज़रूर गो थ्रू करें, ताकि आप पे डिटेल्स जानकारी हो और आपके लिए अप्लाई करना भी ईजी होगा। एप्लीकेशन फीस जो है SC और ST कैटेगरी के कैंडिडेट्स के लिए है 150 रुपये, और बाकी अन्य कैंडिडेट्स के लिए है 300 रुपये। तो डिटेल नोटिफिकेशन है, आप इसके लिए अगर अप्लाई करना चाहते हैं तो 28 फरवरी 2023 से अप्लाई कर सकते हैं। ये नोटिस हमारे प्लेटफॉर्म पे अवेलेबल है। मैं आपको एक सजेशन देना चाहूँगी कि अगर आप इसके लिए अप्लाई करना चाहते हैं तो आप नोटिस को ज़रूर गो थ्रू करें, उसके बाद ही अप्लाई करें, ताकि आप पे सारी इन्फॉर्मेशन हो। इससे रिलेटेड अपडेट से बने रहने के लिए आप इस इवेंट को पर्टिकुलरली सब्सक्राइब भी कर सकते हैं, और अगर आप कोई भी इन्फॉर्मेशन शेयर करना चाहते हो तो डिस्कस बटन पर क्लिक करके हमारे कम्युनिटी प्लेटफॉर्म community.exampathfinder.com पे विजिट कर सकते हैं। इसका जो लिंक है मैं आप लोगों की मदद के लिए डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगी, और जब आप स्क्रॉल करके नीचे आएंगे तो यहाँ पे राइट रिप्लाई का सेक्शन है, जहाँ पे आप रिप्लाई करके इन्फॉर्मेशन शेयर कर सकते हैं और डिस्कशन स्टार्ट कर सकते हैं फेलो कैंडिडेट्स के साथ। ये अलर्ट प्लेटफॉर्म है, यहाँ पे सारे नोटिफिकेशन सेक्शन वाइज बायफरकेट कर रखे हैं, तो ये लेटेस्ट नोटिफिकेशन के सेक्शन में आपको लेटेस्ट इवेंट्स जो भी वो आपको इजीली मिल जाएंगे, तो आपके लिए बहुत ही इजी होगा इवेंट्स को सर्च करना, क्योंकि सारे इवेंट सेक्शन वाइज बायफरकेट कर रखे हैं। तो आज की वीडियो में बस इतना ही, मैं आशा करती हूँ कि आपको अधिक से अधिक इन्फॉर्मेशन मिल पाई होगी। वीडियो अच्छा लगे तो उसे लाइक एंड शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। वीडियो में अंत तक बने रहने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों, मिलते हैं अगली वीडियो में।